तो आप लोग देख सकते हैं कि आज वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में T20 खेला जाएगा, जो कि इसमें यह 1 करोड़ का मेगा होने वाला है, जो कि इसमें आप लोग देख सकते हैं जो 4 घंटा 35 मिनट बाद स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को एक बहुत सा बेहतरीन टीम बनाकर दिखाऊंगा, जो कि हर टीम से अलग होगा। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करते हैं आज आज का जो वीडियो है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आज हमारा जो कि आज जो भी हमारे थ्रू लगाएंगे कॉन्टेंट, उनको डिस्काउंट दिया जाएगा, जो कि 45 रुपये का टीम 33 रुपये और 49 रुपये का टीम 44 रुपये में होगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 33 रुपया जो है हम इसी में लगाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके 33 रुपये के ऊपर आप लोग को क्लिक करना है। देखिए कुछ हमारे पास इस प्रकार का कुछ टीम आ जाएगी, जो कि हमें टीम को सिलेक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले वेस्ट इंडीज को सिलेक्शन करेंगे और देख लीजिए वेस्ट इंडीज में हमें किसको लेना है किसको नहीं लेना है। अभी तो लाइनअप हुआ नहीं है, तो हिसाब से आप लोग बता दे रहे हैं कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले हमको पोलार्ड को नहीं लेना है, पावर को ले लेंगे, ठीक है। पावर हो गया उसका, बिग किंग हो गया है, ठीक है। पहले 2 बैटमैन्स को लेके चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक होल्डर को ले लेते हैं, एक चेस को लेंगे, एक सफेद को लेंगे, ठीक है। 5 हो गए। और एक बॉलर हमारे पास बचते हैं, जो कि हुसैन, ठीक है। और यहाँ से ऑलराउंडर को एक हटाएंगे हम, ठीक। और होल्डर को हटा के हम क्या रखेंगे, ओ स्मिथ को बॉलिंग कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास इंग्लैंड का टीम का चॉइस आता है, ठीक। तो इंग्लैंड के में चॉइस जब आता है तो हम क्या करेंगे, जे रॉय को ले लेंगे, जो कि ये अगले वर्ल्ड कप में बहुत अच्छे प्रदर्शन किए हैं, आप लोग जानते होंगे इनको। एक अच्छे बैट्समैन थे, जो इंग्लैंड इंग्लैंड में वर्ल्ड कप में बहुत मेहनत किए थे। और फिर साल्ट को ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को लेने के बाद हम मोहन अली को लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, एडा सीध को ले लेते हैं, जो हमारे पास बचते हैं विकेट कीपर, विकेट कीपर में हम, ठीक है, इनको ले लेते हैं। अब आप लोग को हम अपना टीम दिखा देते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ हमारा इस प्रकार का टीम बन चुका है, जो कि सबसे अलग हमारा एक टीम होगा, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग इस तरह की टीम के थ्रू जाएंगे तो कम से कम आपको एक अच्छा विनिंग होगा। दोस्तों मैं नहीं कहूँगा कि आप एक टीम से जाइए, हम आपको कम से कम 5 से 6 टीम बनाकर दिखाएंगे, जो कि 5 या 6 टीम के थ्रू जाएंगे तो आपको एक अच्छा विनिंग हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखते रहिएगा हमारे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारा एक टीम जो तैयार हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसी टीम को कॉपी करेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। मैं ज़्यादा 20-22 मिनट का वीडियो नहीं बनाऊंगा, कम से कम 7 से 8 मिनट का तो होगा दोस्तों वीडियो। प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, ताकि आप लोग को पूरी से पूरी वीडियो समझ में आ जाए। अब देखिए क्या करेंगे, हम फील्डर को इसमें एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। पूरन को हटाएंगे, पूरन को हटाकर क्या करेंगे, हम इनको ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब हमें क्या लगता है कि जे
रॉय बढ़िया फील्डिंग करे या ना करे, ठीक है। अब मोइन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर में, क्योंकि इनको हटाकर हम इनको ले लेंगे। देखिए बस हम लोग फील्डर एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, फील्डर हमें एक्सचेंज करना है दोस्तों। आप देख लीजिए इसमें सब बेस्ट लग रहा है, तो क्या करेंगे आप, इसी टीम से चले जाएंगे कहाँ, मैदान में लड़ने के लिए, ठीक है। कैप्टन एक्सचेंज कर देते हैं हम। अब फिर क्या करेंगे, एक और टीम बनाएंगे, इसमें भी कुछ फील्डर एक्सचेंज करेंगे हम। जैसे मान लो इनको हटा कर यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, जे राय को हटा देते हैं, जे इंग्लैंड में जे राय को हटा, इनको हटा कर इनको ले लेते हैं, ठीक है, इनको हटा कर हम इनको ले लेते हैं, रशीद को हटा कर इनको ले लेते हैं, ठीक है, हम इनको हटा कर इनको ले लेते हैं दोस्तों। बस तो दोस्तों हमारा जो कि आप लोग देख सकते हैं जो कि टीम कुछ इस प्रकार का है दोस्तों। आप लोग अगर चाहेंगे तो तीन टीम के थ्रू आप लोग एक अच्छा विनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में। ताकि आप लोग अगर इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।